Hey, what's up everybody? कैसे हो आप सब? वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। सुप्रभात बच्चों, यह हम लोगों की संस्कृत की क्लास है। बच्चों द्वितीय पाठ है कर्म कार्यक्रम, हम लोग रीड करेंगे पाठ दो कर्म कार्यक्रम। आगे का पिछला चैप्टर हम लोगों ने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिया है, अब आगे का हम लोग रीड करेंगे। बच्चों आप लोग अपनी बुक में देखेंगे तो बहुवचन का पाठ है। बच्चों तीन बच्चे यहाँ पे रीड कर रहे हैं और कुछ बच्चे आपस में बात कर रहे हैं। बच्चों हम रीड करते हैं, इसके साथ आप भी रीड करेंगे। त्वं विद्यालय कदा गच्छति, एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। बच्चों प्रश्न किया जा रहा है कि त्वं विद्यालय कदा गच्छति। युवा पुस्तके पठतः, युवा पुस्तकानि पठिष्यतः। बालका श्लोकान् पठिष्यन्ति, बालका सुलेखम् अपि लेखिष्यन्ति। अब सेकंड नंबर पर आपको हम लोग रीड करेंगे। अहम् त्वाम् पश्यामि, त्वाम् माम् पश्यसि। आवाम् युवाम् पश्यावः, युवाम् आवाम् पश्यतः। वयम् युष्मानम् पश्यामः, यूयम् अस्मानम् पश्यतः। अब बच्चों लास्ट में जो पैराग्राफ आप लोगों का है उसको हम लोग रीड करेंगे। अहम् सत्यम् वदिष्यामि, त्वम् अपि सत्यम् वदिष्यसि। बालका सत्यम् वदिष्यन्ति, क्रीडिष्यन्ति च। बच्चों हमने रीड कर लिया है, आप लोग भी वीडियो देखेंगे उसके साथ बाद में रीड करेंगे। जब तक आप लोग पढ़ेंगे नहीं तब तक आप लोगों को संस्कृत पढ़ना नहीं आएगी। जितना आप लोग बच्चों रीड करेंगे उतना आप लोगों को संस्कृत पढ़ना आएगा। बच्चों रीडिंग मैंने कर दिया है, अब हम लोग इसकी हिंदी भी समझ लेते हैं कि इसकी हिंदी क्या होती है। तो त्वं विद्यालय कदा गच्छति, बच्चों देखेंगे तो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, क्वेश्चन किया जा रहा है, प्रश्न किया जा रहा है कि त्वं विद्यालय कदा गच्छति। तुम का हिंदी का अर्थ क्या होगा बच्चों? तुम विद्यालय का अर्थ होगा विद्यालय, कदा का अर्थ होगा कब, गच्छत का अर्थ होगा जाते हो। तो तुम विद्यालय कब जाते हो। उसके बाद क्या है, युवाम पुस्तके पठतः। ठीक, युवाम का जो अर्थ होगा तुम सब, पुस्तके द्वयवचन यहाँ पे है तो बच्चों क्या होगा कि युवाम तुम दोनों पुस्तके पढ़ता, तुम सब पुस्तक पढ़ते हो। ठीक, युवम पुस्तकानि पठिष्यति, युवम का अर्थ होगा कि बच्चों तुम सब, यहाँ पे क्या है पुस्तकानि है, बहुवचन का रूप होता है, बहुत से पुस्तकों का। जब एक पुस्तक होती है तो पुस्तक होता है, जब दो पुस्तक होती है तो क्या होता है पुस्तके होता है, जब बहुत सी पुस्तकें होती हैं तो संस्कृत में क्या होता है पुस्तकालय होता है। तो तुम सब पुस्तके पठिष्यता का अर्थ क्या होता है बच्चों, पढ़ते हो। ठीक, उसके बाद क्या है बालका, यहाँ पर भी बच्चों क्या है बहुवचन है, बहुत से बालक का बोध हो रहा है, क्योंकि जहाँ एक बालक रहेगा वहां पे होगा बालक, दो बालक जहाँ पे रहेंगे बालकों, और जहाँ पे बहुत से बालक रहेंगे वहां पे संस्कृत का शब्द क्या होगा बालका। तो बहुत से बालक श्लोकान श्लोकों को पठिष्यन्ति, पढ़ते हम सभी बालक श्लोक को पढ़ेंगे। उसके बाद क्या है बालका सुलेखम अपि लेखिष्यन्ति। ठीक, बालका यहाँ पर बच्चों देखेंगे तो बहुत से बाल बहुवचन शब्द है, बहुत से बालकों का बोध हो रहा है। तो बालका सुलेखम अपि लेखिष्यन्ति, बहुत से बालक सुलेखक, सुलेखम मतलब सुलेख को, अपि का अर्थ होगा भी, लेखिष्यन्ति का अर्थ होगा लिखेंगे, बहुत से बालक सुलेख भी लिखेंगे। अब बच्चों आप लोग देखेंगे बुक में अपने चार बच्चे आपस में एक जगह खड़े होकर आपस में बात कर रहे हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं। तो अहम त्वाम पश्यामि, ठीक, अहम का अर्थ होगा मैं, त्वाम का अर्थ होगा तुमको, पश्यामि मतलब देखता हूँ, मैं तुमको देखता हूँ। त्वाम माम पश्यन्ति, तुम भी मुझको देखो। त्वाम का अर्थ होगा तुम भी, माम का अर्थ होगा मुझे, पश्यस का अर्थ होगा देखो, तुम भी मुझे देखो। आवाम युवाम पश्यावह, ठीक, आवाम का अर्थ यहाँ के बच्चों बहुवचन का बोध है, आवाम का अर्थ होगा हम दोनों, युवाम का अर्थ होगा कि तुम दोनों को, पश्यावह का अर्थ होगा देखे।
हम दोनों तुम दोनों को देखते हैं। अब बच्चों क्या है, युवाम आवाम पश्यत, ठीक है। आवाम का, युवाम का अर्थ होगा बच्चों तुम दोनों, आवाम का अर्थ होगा हम दोनों को देखते हो, ठीक। अब उसके बाद क्या है बच्चों, वयम युष्मान पश्यामः, वयम का अर्थ बच्चों होगा हम दोनों, ठीक। और उसके बाद आवाम, वयम का अर्थ बच्चों होगा यहाँ पे हम सब, युष्मानम का अर्थ होगा तुम सबको, पश्यामः का अर्थ होगा देखते हैं, वयम का होगा बच्चों हम दोनों, तुम दोनों को देखते हैं। अब लास्ट में बच्चों क्या है कि युवाम आवाम युव्यम अश्मानम पश्यतः, ठीक है। तो यहाँ पर होगा बच्चों तुम सबको, तुम सब हम सबको देखते हो, ठीक। तुम सब युवम का अर्थ होगा तुम सब, अश्मानम का अर्थ होगा हम सबको देखो, ठीक। अहम सत्यम वदिष्यामि, अहम का अर्थ होगा मैं, सत्यम का अर्थ होगा सत्य, वदिष्यामि का अर्थ होगा बोलूंगा, मैं सत्य बोलूंगा। त्वम अपि सत्यम वदिष्यति, तुम त्वम का अर्थ होगा तुम, अपि का अर्थ होगा भी, सत्यम का अर्थ होगा सत्य, वदिष्यति का अर्थ होगा बोलो, तुम भी सत्य बोलो। बालका सत्य वदिष्यति, बालक सत्य बोलेंगे। क्रीडन्ति क्रीडन्ति च, और खेलेंगे। बालकार बहुत से बालक, सत्यम का अर्थ होगा सत्य, वदिष्यन्ति का अर्थ होगा बोलेंगे, क्रीडन्ति का अर्थ होगा बच्चों खेलेंगे। चल बहुत से बालक सत्य बोलेंगे और खेलेंगे। बच्चों आप लोग रीड करेंगे और हिंदी में अर्थ को भी समझेंगे। अगर नहीं समझ में आएगा तो मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।